अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कैसे हैं आप लोग? यार मैं आपकी तरफ देख के बात नहीं कर सकता, बिकॉज मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो यार आज आपसे कुछ बातें करनी थी फ्यूचर प्लान्स के हवाले से। एक तो आपको वजह बताऊँ, सबसे पहले मैं इतना अरसा गायब किधर रहा हूँ। तो गायब का सीन भाई कुछ यूँ है कि पहले तो कुछ घर के अपने मसले मसाइल थे जो मैं आपको बता चुका हूँ कौन से थे, और उसके बाद मेरे वालिद साहब बहुत ज़्यादा बीमार थे, तो कई महीने तक लॉकडाउन के दौरान उनकी देखभाल, और आखिरकार वो इस दुनिया से चले गए। तो अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद फरमाए और मुझे उनके लिए सदका जारिया बनाए। तो ये जो गाड़ी मैं लेके फिर रहा हूँ, ये मुझे अबू ने लेके दिया बाय द वे, सो दिस इज़ अ वेरी स्पेशल कार फॉर मी। तो ये था कि वो फिर उस वजह से बहुत बड़ा गैप आया, कोई 5-7 महीने मैं गायब रहा हूँ। तो अब दोबारा से चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, कुछ लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया है, कुछ मेरे लिए भी बहुत बड़ा सदमा था, तो वो भी अब थोड़ा रिकवर हो गया है, 2.5-3 माह हो गए हैं, अब वो भी गए हुए। तो अब प्लान ये है कि एक तो भाई मैंने जो ट्रैवल सर्विसेज के रिव्यूज़ करने हैं उसमें सबसे पहले जो टॉप मेरे प्लान्स हैं मैं कुछ चेक करता हूँ। एक तो क्यू कनेक्ट है ना, इनकी दो बस सर्विसेज हैं, एक तो मुल्तान जाती है, एक इनकी लाहौर से इस्लामाबाद जाती है, ये दो हैं। इसके बाद लाहौर से मुल्तान रूट पे जब मैं मुल्तान जाऊंगा ऑब्वियसली, तो वापसी पे मैं कोशिश करूंगा कि मुल्तान की जो ट्रेन है एक्सप्रेस उसको कवर कर लूँ, या फैसल मूवर्स की लाहौर से मुल्तान एक बस सर्विस बड़ी अच्छी है उसको कवर कर लूँ। इसके अलावा क्यू कनेक्ट लाहौर से इस्लामाबाद जो कि एक बिज़नेस क्लास बस है, बहुत एक्सपेंसिव, उसको कवर किया जाए। इसके अलावा रोड मास्टर जो है दैट इज़ ऑल्सो फ्राम लाहौर टू इस्लामाबाद एंड लाहौर टू मुल्तान एज़ वेल, तो ये रूट्स हैं। ये वो कंपनीज हैं जो बड़ी कंपनीज हैं हमारे यहाँ पे। इसके अलावा लाहौर से कराची बड़ा इंपॉर्टेंट रूट है, जिसमें लाहौर से कराची की डाइवो बस सर्विस भी है, जो कि मैंने सुना बहुत ही वर्स्ट है, लेकिन रिव्यू तो बनता है भाई। फैसल मूवर्स की बिज़नेस क्लास है, और इसके अलावा लाहौर से कराची की ट्रेन हैं कुछ। तो यार लाहौर आप जिस इशारे पे खड़े हो ना, बहुत तंग करते हैं आपको। तो लाहौर से कराची के रूट्स में ट्रेनें हैं 2-3 भाई, 2 से 3 बस सर्विसेज हैं। इसके अलावा एयरलाइंस भी हैं, तो एयरलाइंस का भी प्रोग्राम है, बहुत काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाएंगी बट प्लान है। हाँ, इसके अलावा आपका कोलैबोरेशन ये हो सकता है कि आप इस तरह लाहौर टू सरगोधा, मुझे अभी एक स्पॉन्सर टूर मिलने वाला है इंशाल्लाह, तो लाहौर टू सरगोधा मेरे एक दोस्त हैं, मैंने उनके पास जाना, तो जाते हुए मैंने वीडियोस भी बनानी है, आते हुए भी बनानी है, वहाँ शहर के अंदर भी बनानी है। तो अगर आप लाहौर पाकिस्तान के किसी शहर में और आप चाहते हैं मैं उधर आ जाऊँ और आपके शहर की वीडियोज़ भी बन जाएँ, और साथ में जो बस सर्विसज चलती हैं उस इलाके में उनको कवर कर लिया जाए, तो आप भी कॉपरेट कर सकते हैं मेरे साथ। नंबर तो मैं अपना नहीं दे सकता डायरेक्टली, है कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे मैसेज करें अपने प्रपोज़ल के साथ कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर लिविंग इन लाइक सरगोधा, तो जी मैसेज करें कि मैं सरगोधा से हूँ और मैं एज ए होस्ट आपको यहाँ पे बुलाना चाह रहा हूँ, तो मैं सरगोधा आऊँगा, किसी बस पे आऊँगा जो आप बताएँगे, और वापसी में किसी बस में ही करूँगा या ट्रेन या जो भी अवेलेबल वहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा, तो मैं उसकी वीडियो बनाऊँगा। तो भी जो नियर फ्यूचर में जो सबसे स्टार्टिंग इंशाल्लाह मेरी है वो इस्लामाबाद, क्योंकि मैं कहीं चक्कर लगा चूँगी यार, इस्लामाबाद से मैं तंग आ गया, वैसे शहर भी बड़ा अजीब सा लगता है, शहर तो है ही नहीं वो, तो मुल्तान इंशाल्लाह जाएंगी। मुल्तान इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड आउटस्टैंडिंग सिटी, पसंद आया मुझे, थोड़ी सी बस गर्मी का वेट कर रहा हूँ 1-2 हफ्ते। तो जी इसके अलावा अपना टेक चैनल भी, उस पर भी कुछ 1-2 इक्विपमेंट्स कम हैं, तो उस पर ही प्रॉपर फिर मैंने काम शुरू कर देना है, जो मैंने बनाया इसलिए था कि जो मेरे फेलो यूट्यूबर्स हैं, स्पेशली जो नए बच्चे हमारे आते हैं यूट्यूब की दुनिया में, बाय द वे मैं बच्चा बुच्चा नहीं हूँ, मैं यूट्यूब पे बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, इट्स बीन मोर देन 7 ईयर्स, ये 7 साल हो गए काम, बस मैं ज़रा ढीला होकर करता हूँ, कभी कर लिए कभी नहीं कर ली, इससे मेरे सब्सक्राइबर्स कम हैं, अदरवाइज़ अगर आप मेरे वीडियो के व्यूज़ देखें तो व्यूज़ बहुत अच्छे हैं मेरे पास। तो ये प्लान्स हैं भाई, तो टेक चैनल पे इंशाल्लाह टेक रिव्यूज़ प्लस टेक गाइडेंस भी सब साथ चलेगी, शेकी वीडियो बन रही है, मुझे पता है मैं अपने स्मार्टफोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं गोप्रो इस्तेमाल किया करूँगा, मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा बेहतर। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अपनी वीडियो के अंदर, और इसके अलावा आप जो और रिकमेंडेशन हैं आपकी
कि कौन सी बस सर्विसेज को कवर किया जाए और क्या किया जाए, आप लोग बताएं इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में बताएं मुझे भाई। तो और कोई बात मेरे जहन में नहीं आ रही, आपके जहन में आ तो आप कमेंट में पूछें रिप्लाई। इंशाल्लाह मैं वीडियो में तो नहीं कर पाऊँगा, वीडियो तो ये एक ही बनानी थी मैंने। तो जो मेरी यूट्यूब पर स्टोरीज़ है ना वो मैं डालता रहता हूँ, स्टोरीज़ में आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ना ये देखो वैसे डरता हुआ गाड़ी चला रहा है, इस तरफ पता नहीं इसकी गाड़ी कहाँ से उठ के आई है, इशारा बंद हो जाना इस फसला। और में ऐसे बहुत नमूने मिलते हैं, बड़ी वेले होते हैं गाड़ियों पे जा रहे होते हैं, दुनिया का कोई काम तो होता नहीं है, तो स्लो स्लो ड्राइव करते हुए आ रहे होते हैं, इशारे बंद करवा देते हैं हमारे। अच्छा जी, मिलते हैं जी आपसे वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। मोस्ट रिसेंट वीडियो जो मैं बनाऊंगा अपकमिंग वीडियो, वो लाहौर से सियालकोट का जो मोटर वे है ना उसका मैं एक ट्रेवल व्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि मैं सियालकोट जाता रहता हूँ, तो मे बी कमिंग वीकेंड में दोबारा जाना पड़े तो वीडियो बनाऊंगा मैं, तक ये थोड़ा चैनल पे जान आए यार। तो जी बहुत बतूनी हूँ मैं, उसके लिए माफ़ी देते हैं, अल्लाह हाफिज़।